संस्कृति का क्षेत्र में आया, यहाँ बहुत विशेष चीज़ें नहीं, बट बीएचयू घाट या इन सब चीज़ों से यह जाना जाता था। उस संस्कृति क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्थान किया, जिससे यहाँ की जनता पूर्णतया स्वस्थ है और एक एक सीटों पर, और वो कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के वोट नहीं कर रहे हैं, योगी और मोदी के नाम पर और राष्ट्र हित में वोट दे रहे हैं, इसलिए वोटिंग कर रहे हैं। देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश का है न कि केंद्र का है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है न कि केंद्र का है। और मोदी जी यहाँ के सांसद भी हैं, यहाँ के सांसद भी हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की हैसियत से मैं बात नहीं करना चाहूँगा, यहाँ के सांसद की हैसियत से मोदी जी ने राज्य का सहयोग क्या दिया भाई, गौशालाओं क्या करेंगे, अब उस पर बात करेंगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्लाटर हाउस बंद हो जाने चाहिए थे, योगी के अनुसार स्लाटर हाउस बंद होना चाहिए, कोई भी स्लाटर हाउस बंद नहीं हुआ, आज भी स्लाटर हाउस चल रहा है। अच्छा, आप ये आरोप लगा रहे हैं योगी जी? हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, पंजीकृत, उन्होंने पंजीकृत करा के सारे स्लाटर हाउस खुले हुए हैं। अच्छा, खुले हुए हैं? हाँ, अभी वही काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन लीगल तरीके से हो रहा है। ये तो आप बहुत बड़ा मुद्दा, हाँ, क्योंकि ब्रीफ में आप उठा के देखेंगे तो हम तीसरे नंबर पर हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट में नंबर? हाँ, तीसरे नंबर। अच्छा, अब तीसरे नंबर? हाँ, तीसरे नंबर। हाँ, अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो अनरजिस्टर्ड जो भी स्लाटर हाउस थे अपंजीकृत, उन्हें बंद, ये बात आपने कही कि जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे जो गाय है आज भी काटा जा रहा है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, गाय नहीं काटा जा रहा है। अच्छा, फिर हमारी बात आप नहीं समझे। अच्छा, जो स्लाटर हाउस में जो पहले कटते आ रहे थे, अच्छा, वो कार्य हो रहे हैं। अच्छा, वो नहीं बंद हुए। बीफ की बात की ना? हाँ, बीफ अब भी हाँ जा रहा है, एक्सपायरी आप पूरा उठा के देखिए हर जगह, हम आप कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल में भी सर्च करेंगे। हाँ, हमारा कोई एलिगेशन नहीं है व्यक्तिगत तौर पर। हाँ, मेरा सच, आपने सच बोला। हाँ, ये नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी में और वाराणसी की कचहरी के पास, और बगल में ही सर्किट हाउस है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश जो चुनाव है और वाराणसी में जो 7 तारीख को वोटिंग होनी है, उसी को लेकर हम यहाँ से कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है। हमारे साथ एक अधिवक्ता जी हैं, आपका नाम क्या है सर? दीपक राय नाम है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। आप यहाँ सर प्रॉपर यहीं के रहने वाले? हाँ, प्रॉपर यहीं के रहने वाला हूँ और वाराणसी संसदीय क्षेत्र से, और विधानसभा भी हम लोगों का यहीं आता है। अच्छा, अधिवक्ता के बारे में अक्सर कहा जाता है वो गवर्नमेंट को एक क्रिटिकल नज़रिए से देखता है। बिल्कुल, आपने इस गवर्नमेंट को इस कैसे देखते हैं, पिछले 5 साल में ये गवर्नमेंट रही? देखिए, हम शुद्ध रूप से यह बताना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए वकील हैं, हम लोग को पार्टी से बहुत लेना लादना नहीं, किसी भी पार्टी से। हम लोग स्वच्छ तरीके से वोटिंग करते हैं और हमारा मानक कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो भी कार्य हो रहा है उस संगठन या उस पार्टी को ही आगे बढ़ाया जाए। और काम का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ से बाबतपुर जाते थे तो वहाँ के रूट जो सड़क बनाए गए, सड़क अन्य जगहों से बहुत बेहतर हुआ, जहाँ 2 घंटे लगते थे आज 15 मिनट में हम जा रहे हैं। और यहाँ से अब शहर के क्षेत्र में भी आप चलेंगे तो पार्किंग की व्यवस्था जो थी बहुत बड़ी समस्या थी, जो इस सरकार में पार्किंग की समस्या पूर्णतया शहर के अंदर जितनी बड़ी समस्या वो समाप्त हो चुकी है। और लेकिन सर, अभी हम लोग सिटी में हैं, पिछले 3-4 दिनों से हम जो जाम की जाम देख रहे हैं पूरी सिटी में, जाम का कारण बस यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था से जाम नहीं है, संख्या ज़्यादा होने के कारण आज हमारे यहाँ बनारस एक लखनऊ और दिल्ली के बाद राजनीति क्षेत्र में बनारस सबसे बड़ा स्थान रखता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के राम आप नरेंद्र मोदी वजह किससे? हाँ, मोदी जी की वजह से आज बनारस का जो ग्राफ उठा है, आज विश्व पटल पर जो दिखाया जा रहा है, वो एक बड़ा जगह ले लिया। इसलिए भारत के अंदर जितने राजनीतिक लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सारे लोग यहाँ पर आकर के हैं, उनके समर्थक हैं, इसलिए भीड़ यहाँ पर ज़्यादा है। तो क्या लग रहा है जो चुनाव आने वाले, इसमें क्या माहौल रहने वाला है? देखिए, माहौल क्या है एकदम स्पष्ट है, माहौल में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कारण ये है कि किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है, लोग जो अपने तरीके से फैला रहे हैं चीज़ों को, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर काम उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में अच्छे ढंग से किया है, इसलिए भाजपा के लिए विशेषतः लोगों का पूरा रुझान है और कहीं कोई भी सीटें इधर उधर नहीं हो रही। महंगाई मुद्दा नहीं बना आपको लग रहा? गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें? गैस महंगाई, आपकी बात 100% सही है कि महंगाई कहीं ना कहीं आधार है, लेकिन हमारे अंदर एक हमारी जो कह लीजिए यह संस्कृति क्षेत्र माना जाता है, काशी जो है संस्कृति का क्षेत्र में आया, यहाँ बहुत विशेष चीज़ें नहीं, बट बीएचयू घाट या इन सब चीज़ों से यह जाना जाता था। उस संस्कृति क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्थान किया, जिससे यहाँ की जनता पूर्णतया स्वस्थ है और एक एक सीटों पर, और वो कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के वोट नहीं कर रहे हैं, योगी और मोदी के नाम पर और राष्ट्र हित में वोट दे रहे हैं, इसलिए वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये चेहरे बन चुके हैं इस वजह से? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे फंड
या जितने भी रिलीज हुई हैं संसद होने के कारण, आज हम प्रधानमंत्री हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि जो भी फंड आएंगे, क्योंकि लीगल तरीके से देखा सारा फंड वहीं से रिलीज होता है, उसके बाहर विधानसभाओं में बंटता है। अच्छा, एक मुद्दा और, हम भी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कुछ लोगों से, तो उनका ये कहना था कि किसानों का मुद्दा भी एक अहम है, किसान नाराज हैं सरकार से, क्योंकि नहीं किसान नाराज नहीं है, किसान नाराज नहीं है, जो किसान है ही नहीं वही किसान की राजनीति कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं भारत स्तर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उनका ये कहना था कि जैसे अभी छोटा जानवरों की समस्या है, है ना, खाद बीज खाद की समस्या है, जो उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। ये आपकी बात सही है, नहीं मिल पा रही। उस कारण क्या था कि पहले जो खाद या गाय की व्यवस्था करने की बात करते भाई हमारे खेत को खा जा रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था की गई है, जहाँ तक हम जा ही नहीं पा रहे हैं। गाय के जो स्थल बनाए गए, जो बड़े मवेशी खाना कह दीजिए या एक तरह से कह लीजिए कि वो पशुपालन की व्यवस्था बनाएगी, वहाँ तक हम पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं उनको। हम अनावश्यक किसी सत्ता को या किसी अन्य लोगों को हम दोषारोपण कर रहे हैं। हाँ, और किसान की जो आप बीज की और नहीं, जो योगी जी ने जैसे कहा था गौशालाओं के बारे में, वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है भाई। गौशालाओं क्या करेंगे, अब इस पर बात करेंगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्लाटर हाउस बंद हो जाने चाहिए थे योगी के अनुसार, स्लाटर हाउस बंद होना चाहिए, कोई भी स्लाटर हाउस बंद नहीं हुआ, आज भी स्लाटर हाउस चल रहा है। अच्छा, आप ये आरोप लगा रहे हैं योगी जी? हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, पंजीकृत उन्होंने पंजीकृत करा के सारे स्लाटर हाउस खुले हुए हैं। अच्छा, खुले हुए हैं। हाँ, खुले अभी वही काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन लीगल तरीके से हो रहा है। ये तो आप बहुत बड़ा मुद्दा। हाँ, क्योंकि ब्रीफ में आप उठा के देखेंगे तो हम तीसरे नंबर पर हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट में नंबर। हाँ, तीसरे नंबर। अच्छा, अब तीसरे नंबर। हाँ, तीसरे नंबर। हाँ, अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो अनरजिस्टर्ड जो भी स्लाटर हाउस थे अपंजीकृत, उन्हें बंद। ये बात आपने कही कि जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे जो गाय है आज भी काटा जा रहा है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, गाय नहीं काटा जा रहा है। अच्छा, फिर हमारी बात आप नहीं समझे। अच्छा, जो स्लाटर हाउस में जो पहले कटते आ रहे थे, अच्छा, वो कार्य हो रहे हैं। अच्छा, वो नहीं बंद हुए। बीफ की बात की ना? हाँ, बीफ अब भी जा रहा है, एक्सपायरी। आप पूरा उठा के देखिए हर जगह, हम आप कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल में भी सर्च करेंगे। हाँ, हमारा कोई एलिगेशन नहीं है व्यक्तिगत तौर पर। हाँ, मेरा सच आपने सच बोला, ये है, ये नहीं कि आप पक्ष है कोई कुछ। हाँ, ये मुद्दा होना चाहिए था कि नहीं सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन अब तो मेन समस्या वही है कि जब बंद करेंगे तब ना चीज़ें बंद होंगी। अच्छा, वहाँ अगर गाय ऐसे भी देखिए, भाजपा या किसी भी पार्टी की बात करें तो उसमें विकास वाला जो पैमाना होना चाहिए वो निहित होना चाहिए। अच्छा, न कि धर्म जाति पर चीज़ें चलनी चाहिए। हाँ, आज बनारस संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा में आप देखेंगे तो आज तक कोई भी सांसद इतना काम बनारस में कभी भी न किया था, न भविष्य में करेगा। ये तो बनारस के लोग कह रहे हैं कि चूंकि आप वो प्रधानमंत्री हैं तो इस वजह से कहीं ना कहीं नहीं, प्रधानमंत्री की वजह से नहीं है वो, ठीक है, लेकिन सांसद होना भी भाई सांसद हैं यहाँ के, तो उनकी दूसरी जिम्मेवारी भी है कि बनारस को ज्यादा से ज्यादा वो विकास की ओर बढ़ाने का प्रयास किए हैं और धरातल पर है। ये कुछ लोग लेकिन ये भी कह रहे हैं कि एक दो सीटों पर पेच फंस सकता है। देखिए, एक दो सीटों की बात अगर आप करते हैं बनारस की बात। हाँ देखिए, शीर्ष पर चुनाव हो रहा है, किसी भी प्रत्याशी का कोई योगदान नहीं है, यह मैं कहने में आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट बता दूं, आठों विधानसभा के किसी प्रत्याशी में क्षमता नहीं है। पिंडरा की बात हो रही है, जरा जो है आठों विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, आपके आठ विधानसभा किसी प्रत्याशी के अंदर क्षमता नहीं है जो अपने बल पर चुनाव लड़ सके। हम योगी और मोदी के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं और हर जगह जो भी कार्य हुए हैं उनके द्वारा ही कराए गए, जिनको हम आधार मान करके कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है इस बार कहेंगे योगी जी की आठों? हाँ, आठ के आठों विधानसभा भाजपा जीतेगी। ठीक है, देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश का है न कि केंद्र का है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है न कि केंद्र का है। और मोदी जी यहाँ के सांसद भी हैं, यहाँ के सांसद भी हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की हैसियत से मैं बात नहीं करना चाहूँगा, यहाँ के सांसद की हैसियत से मोदी जी ने राज्य का सहयोग क्या दिया भाई? कोरोना काल में बनारस के अधिवक्ता साथी जो नौजवान जो थे, हम बात कर रहे हैं नौजवानों की, मैं चंद मुट्ठी भर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग बहुत हाई फाई अधिवक्ता हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो नौजवान अधिवक्ता जो 50 लाख 40 लाख रुपया खर्चा करके डिग्री लेके आया, वो अधिवक्ता कोरोना काल में अगले वाले में फर्स्ट फेज वाले में बेचारे एकदम दवा के लिए खाने की तरस गए थे। वो तो मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ अपने बनारस के तीन अधिवक्ता साथियों को। एक भाजपा की समर्थक का कार्यकर्ता है, लेकिन हम लोग के बड़े भाई हैं, क्योंकि अधिवक्ता ही जो आए
चुन्ना राय जी, लेकिन सर चुन्ना राय जी और समूसर चौरसिया जी, अनूप यादव जी, ये चार पांच सात अधिवक्ता नौजवान साथी जो रहे हैं, हम नौजवानों के लिए अगर वो पहल नहीं किए होते तो हम नौजवान अधिवक्ता कम से कम 50 आत्महत्या भी कर लिए। बात ये की जाए, अगर चुनाव की बात की जाए तो अधिवक्ता तो एक लिमिटेड संख्या है वोटर जो, क्योंकि अधिवक्ताओं की आप न लें, यहाँ एशिया का प्राचीन बरार है बनारस बार, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बार है सेंट्रल बार, और अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता समाज इन सरकार में कहीं ना कहीं से त्रस्त है, क्योंकि नौजवान अधिवक्ता पहले अपना खुद पेट नहीं भर पा रहे हैं, और मुझ जैसा अधिवक्ता पहली बार 2 साल मेरा बच्चा 10th में पढ़ता है, घर पर बैठा रहा, फीस जमा करना पड़ा, कहाँ से हम कैसे फीस जमा किए हम ही जानते हैं, और अगर खुदा न कास्ते, सरकार आ नहीं रही है, अगर खुदा न कास्ते बाबा जी रिटर्न हो गए तो अभी तक तो हिंदुस्तान में 18,540 लोग आत्महत्या किए हैं, आने वाले नहीं हैं तो कम से कम इसकी संख्या, आत्महत्या करने की संख्या अधिक हो जाएगी, क्योंकि पत्नी ताना मारेगी। अभी आप देखे होंगे कि जो किसान व्यापारी अभिभावक बैंकों में अपना लाकर में अपना सोना जमा किए थे, आदमी कर्जा कब लेता है, इलाज के लिए, बच्चों के फीस के लिए, जो नहीं जमा कर पाए तो उनका लाकर में जब सोना जब्त हो गया। अच्छा, ये जो अभी हम बात कर रहे थे उनका ये भी कहना था, क्योंकि आम जनता है जो बनारस की जनता है वो कहीं ना कहीं एक इस बात से भी खुश है कि हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री, और उन्होंने थोड़ा बहुत जो आप काशी कॉरिडोर है यहाँ पे काम कराया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा है आज दिन तक ऐसा किसी ने नहीं कराया था, ये पहले ऐसे सांसद हैं या प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ हैं जो काम करा रहे हैं। जिसका घर उजड़ता है ना वही चलता पता, मेरा ये मोहा में घर है, हाईवे में चला गया और 2000 के जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो वाराणसी गोरखपुर हाईवे पास हुआ था। अच्छा, वाराणसी हाईवे पास हुआ था, उसमें मेरा जमीन चला गया, और हमारा मोहाव चौराहे पे 2 तल्ला अच्छी बिल्डिंग थी, और इस ठीक है नियम होता है कि आप घर खाली कर दीजिए, होता है कि घर खाली कर दीजिए, अचानक अत्याचारी सरकार ने और क्षेत्रीय सांसद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे से लोग बात करते थे कि हम लोग परिवार वाले हैं, हम लोग यू बेघर रहकर कुछ मौका दें, लेकिन आप पता लगा लीजिएगा मोहा बाजार में सैकड़ों परिवार को ऐसे तोड़ के फेंक दिया गया जैसे कि अब कहना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे ये भी तो कहा जा रहा है जिन लोगों का अगर जमीन ली गई है उन्हें रुपया भी दिया गया है। एक मिनट, हमने कहा अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, अखिलेश जी सरकार में उन्होंने पास किया कि सेल की रेट का 4 गुना। अखिलेश जी मुख्यमंत्री कब बने, 2012 से 17 तक, और सड़क कब का पास हुआ था 2000 का, हम लोग को 12,80,000 में बिस्से घिसे मुआवजा मिला है। एक मिनट, पुराने रेट पे आप ये कह रहे हो, पुराने रेट मिला था, और हम लोग अपना वो कैसे दौर गुजारे हैं, पूरा मुहाव का बच्चा जानता है। आज भी जो हमारी सरकार में पाइप लाइन लगी थी, मुहाव बाजार के लोग आज भी जलेबी टंकी लगी हुई है, लेकिन आज तक पाइप लाइन नहीं गई, 18 हैंडपम्प उखाड़ के फेंक दिया गया, मासूम हम लोग टैंकर से पानी मंगा के पानी पीने का और पिलाने का काम किया करते थे। तो आपको लग रहा है चेंज होगा वाराणसी, एकदम 100% इसे दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि बनारस के लोगों ने सिर्फ धोखा खाया है, कभी गंगा मैया ने बुलाया है, कभी कोटो ने बनाया है स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज। हम पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से, यहाँ के सांसद से, विधायक से, कि अपना 5 स्मार्ट विलेज गिरा दें, यही 5 स्मार्ट विलेज सही हुआ है या 5 स्मार्ट सिटी सही हुई है। ठीक है, और भी लोग सर यहाँ के कुछ लोगों से हमने लोकल लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि कम से कम ये ऐसे सांसद हैं और इतनी बड़ी छवि होने के बाद भी बनारस में आते हैं, कई बार रुकते हैं और पिछले काफ़ी टाइम से कई बार आए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो उन पर प्रभाव है नरेंद्र मोदी जी का? इनके आने से 100 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 20 बार आ गए तो 2000 करोड़ हो गया,
कितना अगर वही जनता में लगा दें तो कितना आगे देश चला जाएगा। उधर गोरखपुर जब देखे हैं तो योगी जी अपना प्रतिष्ठा बना लिए, योगी जी खुद, अरे मोदी जी खुद योगी को हराना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि देखिए जब एक अपना मुख्य वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय से जब भेजे तो उनको नहीं बनाए, योगी जी हटा दिए, इसलिए उनको ऐसा खुद मोदी जी योगी जी को हटाना चाहते हैं, खुद हटाना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाए। उत्तर प्रदेश यहाँ बनारस का सांसद हैं, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है कि कैसे सीट बचा रहे। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा कि इस बार उनका साथ? नहीं, जो लहर था उस समय लहर था, अब लहर नहीं है। वो पहले बार लहर था, सब लोग दिए थे वोट, हर लोग के जबान पर मोदी मोदी, लड़कों के नाम पर मोदी मोदी था, लेकिन इन्होंने कोरोना में देखे इतना मर गए कि जमीन बेच के इलाज कराए नहीं बचा पाए, खेत बेचे, गहना बेचे, कितने लाशें बह रही थी इलाहाबाद में, लाशें बह रही थी, कफन गेरुआ बस है उसको, कफन लाश को मिटाने के पूरा कफन चुरा ले गए बिहार से, जो कि जो लाश बन रही थी। तो नीतीश कहें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार कहें कि उत्तर प्रदेश से लाश आई है, किसान देखिए 2 साल बैठे रह गए, बाद में आप बिल माफ किए, 700 किसान मर जाने के बाद आप बगले ही दिल्ली में थे, चले गए होते तो कांटा लगवाने की क्या जरूरत थी? है किसान बेचारे वही उसी कारण आप बांट रहे हैं ना गेहूं तो, चावल किसान। नरेंद्र मोदी जी ने, आप कह रहे हो किसान नाराज हैं, लेकिन जो उन्होंने कानून लिए थे जिसकी वजह से नाराजगी थी वो तो वापस ले लिए। हाँ, तो वापस ले लिए तो क्यों ले लिए? जब चुनाव आया तब ले लिए, जान रहे हैं कि मेरी सरकार बचेगी नहीं। ममता वहाँ हार गए, वहाँ छत्तीसगढ़ में हार गए, ममता बनर्जी हरवा दी, धीरे धीरे इनका सुपड़ा साफ होने लगा, तो सोचे कि मेरा भाई अब जो प्रतिष्ठा था दांव पर खत्म हो रहा है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं योगी जी हार रहे हैं? योगी जी का सरकार नहीं आएगी इस बार, चेंज होगा। अच्छा, किसका चाह रहे हैं आप? अरे हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार बदले, किसी का बदले नहीं जाए। कांग्रेस की जा रहे हैं, मायावती की जा रहे हैं? हाँ, किसी का भी आ जाए, और इतना महंगाई हम लोग नहीं झेल पाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आपको टक्कर लग रही है अब इस समय? टक्कर किस में चल रही है? टक्कर तो भाजपा ही सपा में है, देखिए। हाँ, भाजपा सपा में टक्कर हर जगह है। अच्छा, अच्छा। जो 8 सीट अगले बार पाए थे इस बार नहीं, 5 सीट सपा ले जाएगी। अच्छा, अच्छा। 2 सीट इनका निकल रहा है। एक देखिए उत्तरी निकल, हो सकता निकल जाए, और 1 सीट वही जो कैंट वाली। चलिए ठीक है। हाँ, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? इस बार कुछ कहा नहीं जाएगा, कोई स्पष्ट नहीं बहुमत किसी की है। अच्छा, आपने ये लालटेन लगा रखी है आरएलडी के समर्थक है क्या? नहीं, ये आरजेडी के। आरजेडी। हाँ, माननीय लालू प्रसाद जी के। अच्छा अच्छा, तो हाँ। बिहार से आप सपोर्ट कर रहे हैं यूपी में रह के? हाँ, हम यूपी के हैं। बिहार में जब रेल मंत्री थे तो ऑल इंडिया थे, तो ऑल इंडिया के मेंबर हुए। हम यूपी के या बिहार या बंगाल क्या कहें, हम जब इंडिया का बताते हैं। अगर संजोग बस मैं विदेश में होता तो कहता मैं यूपीए से हूँ। क्या लग रहा है यूपी में कौन कौन आएगा? यूपी में सरकार चेंज होगी। चलिए ठीक है। और सर, आपका आपको आपका नाम कैसे? घनश्याम मिश्रा। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? त्रिशंकु सरकार बनेगी। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे थोड़ा सा प्रश्न जैसा पूछता हूँ। योगी जी अक्सर एक बात कहते हैं, 80 हमारी तरफ है, 20 उनकी तरफ है, इसका मतलब समझते हैं क्या? ऐसा ऐसा, इसका मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए, क्या है इसका मतलब? वो परसेंटेज, वोट का परसेंटेज कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है यूपी में क्या माहौल है? अभी तो त्रिशंकु सरकार का हमें, त्रिशंकु में कौन कौन रहेगा? सपा और भाजपा, पूर्ण बहुमत इन दोनों को नहीं मिलेगा। अब उसमें जो भी जाएगा, तीसरा कौन है संघ का बता रहे हो? कांग्रेस आ सकती है या बसपा आ सकती है। तो ये किंग मेकर का रोल कर सकती है आपको लग रहा है? हाँ, यही सब किंग मेकर।